अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और आज मैं तीन मीठे बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? एक डेट बार्स हैं, खजूर पाक है, और उसके अलावा हम लौकी का हलवा बनाएंगे। सो आई होप यू विल एन्जॉय दिस एपिसोड विथ मी। देखते रहिएगा जैसे पूरा हफ्ता आप लोग मेरे साथ रहे थे। और एक याद दिलाती चलूँ कि कल तो वैसे सैटरडे है, लेकिन कल हमारा शो विल टर्न 9 ईयर्स ओल्ड। 9 साल से मैं फूड डायरीज़ कर रही हूँ, तो अब हमने सोचा था कि अब हम सैटरडे को तो नहीं मना सकते एनिवर्सरी, तो हम मंडे को मनाएंगे। तो मंडे रेगुलर शो के टाइम पे देखिएगा फूड डायरीज़ की एनिवर्सरी का स्पेशल एपिसोड, और मज़ेदार से मीठे में बनाऊंगी, ठीक है? शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ करते हैं अपने शो पे, आपको पता है सिंस 70 ईयर्स शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान में है। और उसके अलावा इट्स रियली मेड वेरी वेल, उसका नॉन स्टिक जो है मटीरियल वो निकलता भी नहीं है। और ये फर्स्ट कंपनी थी इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस नॉन स्टिक कुकवेयर, और उसके अलावा प्रेशर कुकर भी उन्होंने सबसे पहले बनाया था। और majesticchef.pk इनकी वेबसाइट है, वहाँ बहुत अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं एंड फ़ायदा उठाइए इन ऑफ़र्स का। सबसे पहले हम लौकी का हलवा बनाएंगे, बिकॉज लौकी हमने ग्रेट करके, एक बड़े बॉटल गॉर्ड जिसको कहते हैं ना, उसको ग्रेट करके रख दिया है। बीज वाला पार्ट नहीं लीजिएगा, छिलका भी इसका उतार दीजिएगा। ग्रेट करके आपने इसको पकाना है। तो हम सबसे पहले दूध लेंगे, मेरे पास यहाँ दूध है। मैं सबसे पहले अज्जा बता दूँ, ठीक है? आधा किलो जितना ये लौकी था, 1 कप शुगर है यानी कि दानेदार वाली चीनी मैंने यूज़ की है, खोया है 200 ग्राम, थोड़े से कतरे रोज़ एसेंस के लें या रोज़ वाटर के ले लीजिएगा, अरके गुलाब, और हमने थोड़े से बादाम काजू लिए हैं, 1 कप दूध है, घी इसमें जाएगा बाद में, और चंद कतरे हम हरा रंग डालेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसको ग्रेट करके रख दिया, छिलका उतार के इसको हम दूध में पकाएंगे। ठीक है, और हम ज़रा लिड रख देते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। जब ये पकने लगेगा तो फिर हम एटलीस्ट 5-10 मिनट के बाद इसमें चीनी डालेंगे, फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे, रोज़ एसेंस जाएगा, और हम खोया ज़रा चॉप अप करके वो डाल देंगे, थोड़ा सा खोया ऊपर डेकोरेशन के लिए भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद उसको पकने देंगे। जब सब कुछ यकजान हो जाएगा और फिर जब हमें लगेगा इट्स डन, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा रंग डालेंगे। ज़रा हाथ बचा के डालूंगी, ये वही वाला रंग है पिस्ता कुल्फी वाला जो मैंने धड़ ऐसे ही डाल दिया था, और फिर हम काजू और बादाम वगैरह के साथ इसको डेकोरेट कर देंगे। ठीक है जी, सो देन वील डू आर खजूर पाक, और वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, एंड वील डू आर डेट बार्स एज वेल। डेट बार्स है, लौकी का हलवा है, और खजूर पाक है। सो वेरी सिंपल रेसिपीज़, ज़रूर ट्राई करिएगा, हमारे साथ रहिएगा। बादाम, पिस्ते, अखरोट, काजू, जो भी आपको डेकोरेशन में डालना हो, एनीथिंग यू लाइक, कभी चॉप कर दीजिए इस तरह मोटा मोटा, कभी आप साबुत रखिए, कभी आप वॉलनट के हाव्स सिर्फ इस्तेमाल करिए, जैसे डिज़र्ट पे ना वॉलनट के ऐसे हाव्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ ऐसे हाफ वाला, इसको तोड़ते हैं ना बीच में से, इसका बीच में का शेल टाइप होता है वो निकाल देते हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। कभी कभार काजू को आप बीच में से सेंटर में से निकाल हाफ कर दीजिए, ऐसे कुछ भी करिए, वट एवर यू वॉन्ट, पाउडर फॉर्म में ऊपर नहीं डालिएगा, इट शुड लुक नाइस ऑल्सो, ठीक है? पक्के इसका कलर बहुत पेल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चंद कतरे आपने इसमें डालने हैं ग्रीन कलर के। अगर आप श्योर नहीं हैं तो बोतल से कभी डायरेक्टली नहीं डाल दीजिएगा, आप किसी छोटे बोल में दूध या पानी के साथ कलर को मिक्स करके डालिएगा, उसमें फिर यू आर सेफ। कम भी डाला, ज़्यादा भी डाला, एकदम से फिर उस दिन की तरह मेरी तरह आप डार्क ग्रीन हलवा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि ऐसे ना हो, ठीक है? सो वेरी वेरी सिंपल। और घी हम पहले नहीं डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, पकने देंगे, चीनी को डालेंगे, चीनी का पानी अपना अलग होगा, फिर हम इसमें घी, रोज़ वाटर, और फिर बादाम, पिस्ते, रंग, खोया, जब तब तक मैं ज़रा खोया मैशअप कर दूँ। मैं खोया ला के फ्रीज़र में रख देती हूँ पैकेट्स बना के, तो जब भी आपको कुछ भी इस्तेमाल करना हो सो इट्स नाइस एंड इजीली अवेलेबल, फिर आप फ्रीज़र में से बस निकालना होता है आपने।
थोड़ा सा खोया हम अलग रख देते हैं सो दैट हम इसको इस्तेमाल करें व्हेन वी गार्निश। और दूसरा खोया जो है वो हम अंदर डालेंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह पकाना है दूध के साथ लौकी को, बॉटल गॉर्ड। मेक श्योर नीचे लग ना जाए, हाँ। और नॉन स्टिक कुकवेयर शेफ का बहुत अच्छा है, नीचे कुछ भी नहीं लगता है, इसीलिए हमेशा वुडन चमचे और इस तरह के स्पैचुलाज इस्तेमाल किया करें, कभी भी इसमें स्टील का चमचा नहीं डाला करें, वो उखड़ जाता है ना फिर नीचे से, दैट्स क्वाइट डेंजरस फॉर हेल्थ। हुआ, ये हो गया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी डालने के बाद उसका अपना एक पानी निकलता है, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू दिस पार्ट, सो दैट इसको भी हम साथ भून लें। देखें कितना वाटरी सा हो गया, ठीक है, चीनी भी पानी छोड़ती है। इसको भून के फिर हम घी डालेंगे, और जब भी मैं ऐसे देसी मीठे बनाती हूँ, आपको पता है कि मैं उसको घी में बनाती हूँ, उसका अपना एक टेस्ट है। घी नहीं इस्तेमाल करना है, मक्खन कर लीजिए। अब तो कह रहे हैं कि घी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो क्या करें जी, तो रिसर्च कीप्स चेंजिंग, दे कीप चेंजिंग देयर माइंड। कभी कहते हैं ये नहीं खाओ, कभी कहते हैं वो नहीं खाओ, अब कहते हैं घी खा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों को कुछ खाने भी घी में ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली देसी खाने वगैरह जो होते हैं, तेल वगैरह में नहीं। सी कितना सारा पानी इसका निकला। सो पहले हमने कद्दूकश कर दिया लौकी को छील के, और उसको एक तरफ रख लीजिएगा फौरन, जब कुकिंग कर रहे हो तब, हाँ, रखिएगा नहीं। फिर आपने दूध के साथ उसको पकाया, फिर आपने इसमें चीनी डाल दी, उसके बाद आपने इसमें अभी घी डालना है, सो घी गोज़ इन। को आप भूनते रहिए, जैसे देसी घी तो उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और इसको चलाते रहिएगा कहीं ये लग ना जाए, मेक श्योर लगने लगे नहीं। अच्छा जी, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें ये लौकी का हलवा मैं भून रही हूँ कब से मुसलसल, और ये ऊपर आ गया है घी। अब इज़ द टाइम टू पुट द कलर, रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर और खोया। सो खोया डाल देते हैं पहले, 200 ग्राम खोया जाएगा इसमें, ठीक है। नाइस एंड रिच, सम थिंग्स आर बेटर रिच कहते हैं ना। और इसमें हम रंग डालते हैं, इसमें डालती हूँ ताकि ज़्यादा नहीं हो जाए। मिक्स इन द खोया फर्स्ट, थोड़ा सा खोया मैंने बचाया है फॉर द टॉप। गार्निश के लिए बादाम है और काजू है और खोया है। ब्रेकअप कर दीजिएगा, खोया क्लंप अप हो जाता है ना इस तरह, खोया नहीं हो तो फिर आप बर्फी भी डाल सकते हैं, फीका वाला कलाकंद भी डाल सकते हैं, खोया मिल जाता है हर जगह, आपको बनाना भी सिखाया है टिकोटा चीज की से, याद है ना। जस्ट ब्रेक दिस अप और चमचा चलाते रहिएगा कहीं लग ना जाए नीचे, ओके। नाउ द कलर
भुनना ज़रूरी है हलवे को। सी इट्स लीविंग द साइड्स ऑफ योर पैन, ये देखा आपने साइड्स छोड़ रहा है ये। एंड लिटिल मोर कलर, मुसलसल चला रही हूँ मैं इसको, बिल्कुल गल चुकी है लौकी भी। अब हम निकाल देते हैं इसको और गार्निश कर देते हैं। कुछ लोग गरम गरम प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आके ही खा सकते हैं, गरम तो नहीं खा सकेंगे इसको। अच्छी तरह खोया भी अंदर मिक्स हो गया है। एंड यू टेक दिस आउट। उप्स, अब इसको हमें क्लीन अप करना है बिकॉज साइड में मेक श्योर कि हाथ में नहीं लगे हैं, इट्स वेरी वेरी हॉट। ठीक है जी, ये हो गया, अब इसको हम कर देते हैं साइड पे। और आपने इसको गार्निश कर देना है चॉप्ड बादाम है। फिर काजू हैं, किसी भी तरीके से यू कैन गार्निश इट एनी वे यू लाइक। ठीक है, और थोड़ा सा खोया आप क्रम्बल करके डाल दीजिए हियर देयर। That's it, done, ready, ready to serve. ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। देसी मीठे भी आपको बनाना सिखा रहे हैं हम। ओके, डन। ठीक है जी, लौकी को मैंने छिलका उतार के ग्रेट कर दिया। फिर आपने उसको दूध में उबालना है, पकाना है। फिर उसमें दानेदार चीनी गई थी और खूब अच्छी तरह उसका पानी आपने सुखाना है। पानी सूख जाए तो घी डाल दीजिएगा। और फिर मैंने उसमें खोया डाला, रोज़ एसेंस और थोड़ा सा रंग डाला। और आपने उसको गार्निश कर देना है खोया, बादाम, पिस्ते, काजू, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ के साथ। सो ये हमारा हो गया है। अब हम खजूर पाक की तरफ आ जाते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़, सबसे पहले मैं बताऊँ क्या क्या है। 500 ग्राम बीज निकले हुए खजूर हैं, काजू हैं इसमें, बादाम हैं, पिस्ते हैं और घी है, मेलन सीड्स है ये, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास है यहाँ खशखाश, पॉपी सीड्स। खशखाश को धो के सुखा के इस्तेमाल करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से पैन ले लेते हैं, उसमें हम इसमें नहीं आएगा सो कम घी, चॉप नट्स डालेंगे इसमें हम, ठीक है।
फिर हम इसमें खजूर डालेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रोल इट आउट इनटू अ क्लिंग फिल्म। क्लिंग फिल्म बिछा दीजिएगा, ठंडा हो तो इसको आप रख दीजिएगा क्लिंग फिल्म पे, और फिर आप उसको रोल कर दीजिएगा, रोल करके साइडों को बंद करके फ्रिज में रख दीजिएगा, फिर आप उसको स्लाइसेस काट के सर्व कर सकते हैं। आपको लगेगा ये बहुत सारा घी है, लेकिन क्या होगा कि जब ये खजूर जाएंगी तो वो जज्ब कर लेगा। बादाम, पिस्ते, खशखाश, चार मगज और काजू, ठीक है। भूनिएगा इसको अच्छी तरह, खुशबू आए जब, फिर आप खजूर डालिएगा। खजूरों को चॉप कर दीजिएगा या ब्लेंड कर दीजिएगा, या मोटा मोटा चॉप करेंगे इसमें हो जाएगा। मेक श्योर ये जल नहीं जाए, ड्राई फ्रूट में से अपना एक तेल निकलता है जब हम इसको रोस्ट करते हैं या इस तरह भूनते हैं। सारे खजूर चले गए, और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। मैं इसको भून रही हूं नाजरीन, आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। देखें मैं इसको मुसलसल इस तरह चला रही हूँ। पोटैटो मैशर से भी आप इसको मैशअप कर सकते हैं, इसको स्मूथ होना चाहिए, खजूर पूरी पक जाए, ठीक है, घी में अच्छी तरह, और ये सारे नट्स अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं। देखें इस तरह ये रेडी हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप एक क्लिंग फिल्म ले लीजिए, अभी ये गर्म है तो आई कांट डू इट राइट नाउ, थोड़ा टाइम दीजिएगा इसको ठंडा होने के लिए। क्लिंग फिल्म लगा दीजिएगा, इसके ऊपर इसको रख के ऐसे लॉक शेप में, रेक्टेंगल के शेप में कर दीजिएगा चम्मच से, ठीक है, और इसको फिर ऐसे कर दीजिएगा, फिर इसको आप रैप करके फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा 2-3 घंटे के बाद आप इसके स्लाइसेस काट सकते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इज़ पुटिंग इट ऑन दिस, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है, और फिर गार्निश कर दीजिएगा नट्स के साथ। मगर इसको भूनना लाजमी है, इस तरह भूनते रहिएगा अच्छी तरह, बहुत मज़ेदार ये बनता है। इसको आप स्लाइसेस में काट के खा सकते हैं। सी दिस, पूरा पैन को ये छोड़ दे तब तक आपने इसको पकाना है, ओके, सो रिमेंबर दैट। अब ये बहुत गर्म है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप 2 चम्मच या कुछ यूज़ करें। क्योंकि अभी हम इसको वो नहीं कर सकेंगे, काट नहीं सकेंगे, तो आई एम जस्ट सेटिंग इट लाइक दिस ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। खजूर देख लीजिएगा स्मूथ है, ब्लेंडर में नहीं डाली है मैंने, ठीक है, इसको मैंने पोटैटो मैशर का इस्तेमाल करके हमने इसको ब्रेक में मैश अप कर दिया था। डन, अब आप इस पर वट एवर यू वॉन्ट टू स्प्रिंकल कर दीजिए, और थोड़ा सा उससे दबा देंगे हम ताकि वो अंदर यू नो चिपक सा जाए, सो नट्स भी इस तरह अंदर चिपकें। बस ये था, बस गार्निश के लिए मैंने थोड़े से डाले, नट्स तो अंदर काफ़ी हमने डाल दिए हैं। एंड यू कैन कट दिस इनटू पीसेस एंड एन्जॉय दिस। प्लीज़ गरम गरम ट्राई नहीं करिएगा, ये मुँह में चिपक जाएगा। दो आई एम टेम्प्टेड टू अभी, लेकिन डोंट डू दैट। हियर वी गो,
also, this is also ready. देखें जम भी गया है ऑलरेडी. अच्छा जी, सो टू डाउन वन टू गो. अब हम आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, वो हैं डेट बार्स. ओके, अब डेट बार्स के लिए मेरे पास 200 ग्राम बीज निकले हुए खजूर हैं, काजू हैं, दूध है, बिस्किट्स मुझे क्रश करने हैं, अखरोट है, खोपरा है, नमक है, वेनिला एसेंस है, और ये सब कुछ बना के फिर ऊपर से हम वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर देंगे. सो सबसे पहले हमें ब्लेंड कर देनी है चीज़ें. सो या आप फूड प्रोसेसर में कर दीजिए या आप किसी भी चीज़ में कर दीजिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ बिस्किट्स जो है ना उसको पहले मैं क्रश कर देती हूँ, फिर उसको निकाल देंगे. सब कुछ फिर एक बोल में डालेंगे. सो आई जस्ट टेक इट आउट हियर. ओके, अब हम खजूर लेंगे. 200 ग्राम खजूर हैं, बीज निकाल के लीजिएगा. फिर इसमें हम दूध शामिल करेंगे, अबाउट 3 टेबलस्पून्स है मेरे पास. और हम इसमें डालेंगे काजू. ठीक है, ये काजू हैं, वहाँ काजू टूटे हुए हैं वो डाल देते हैं पहले. और आप इसको ब्लेंड कर दीजिए. अच्छी तरह पेस्ट हो जाए तो निकालिए और बिस्किट्स के साथ आपने इसको मिक्स कर देना है. सो ठीक है, इस तरह का पेस्ट होना चाहिए. ये मीठे वीकेंड पे ज़रूर ट्राई करिएगा. मंडे का शो देखना मत भूलिएगा. मंडे हम एनिवर्सरी फूड डायरीज़ की मनाएंगे अपने शो पे, उसी टाइम 3:30 से 4:30. अच्छा, अब हम बेसिकली यू जस्ट हैव टू मिक्स इन एवरीथिंग. ठीक है, तो खजूर, दूध और काजू हमने मिक्स करके रख दिए. ठीक है, ब्लेंड करके बिस्किट्स हमने उसमें डाल दिए. अब खोपरा डालेंगे आप, जो कि यहाँ है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये चला जाएगा. फिर उसमें आप थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे. ओके, आप इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे. और अगर आपको इसके बार्स के शेप में छोटे छोटे बार्स या स्क्वायर्स काटने हैं तो आप किसी फ्लैट पायरेक्स के डिश में ग्रीस करके कर दीजिएगा. मैं आज आपको एक बोल में निकाल के दिखाऊंगी, ऊपर से वाइट चॉकलेट डाल के इसको हमने मिक्स कर देना है. ठीक है, ये तीनों डिज़र्ट्स बहुत आसान हैं, कुछ ज़्यादा कुकिंग भी नहीं है, बेकिंग भी नहीं है. आप लोग कहते हैं ना मुझे बेकिंग के बगैर वाले डिज़र्ट सिखाएं, तो आज हमने बेकिंग के बगैर वाले आपको डिज़र्ट सिखाए हैं. नो बेक डिज़र्ट्स, प्लीज़ इनको ट्राई करिएगा. ब्रेक की तरफ हमें जाना है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. मैं यहाँ हूँ इसलिए कि मैं माइक्रो कर रही हूँ वाइट चॉकलेट को. डेट बार्स जो है ना, उनको अगर आप एक डिश में लेयर आउट करेंगे, फ्लैट डिश में, तो क्या होगा कि आप इसको बार्स की शक्ल में काट सकेंगे. जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर सर्टन थिंग्स वी कांट डू इन द लिमिटेशंस ऑफ आर टाइम ऑन आर शो.
टाइम की वजह से हम शो पे हर चीज़ नहीं करके आपको दिखा सकते हैं। आपको अगर इस तरह सर्व करना है इस तरह कर दीजिएगा, बार्स की शक्ल में करना है तो आप इसको फ्लैट एक डिश में निकाल दीजिएगा और फिर आप उसको ऊपर ये वाइट चॉकलेट डाल के गार्निश कर दीजिएगा नट्स के साथ। ठीक है जी, थोड़ी सी मैंने वाइट चॉकलेट ली थी, इसको पिघला दिया माइक्रो में। अच्छा, ये जो है क्या था, इतना आसान था ये। ठीक है, डेट्स मैंने लिए 200 ग्राम, उसमें मैंने 5-6 काजू डाल दिए, 3 चमचे दूध डाल दिया। ब्लेंडर में या फूड प्रोसेसर में आप उसको मिक्स कर दीजिए। फिर 5-6 बिस्किट्स ले लीजिएगा, उसका चूरा कर दीजिएगा, वो इसमें मिक्स कर दीजिएगा। और आप इसमें अखरोट डालिएगा, अंदर डालिएगा, ऊपर से मैं डाल दूंगी। खोपरा मैंने अंदर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, वेनिला एसेंस गया, सब कुछ मिक्स कर दीजिए। देखें कितना सख्त है, देखा आपने, दिस इज सख्त, इट्स सेट, इट्स ऑलरेडी डन। अब आपने इसके ऊपर वाइट चॉकलेट डालनी है। आसान से मीठे हैं, कुछ ज़्यादा ना पकाना है, बेकिंग बिल्कुल भी नहीं थी आज, लेकिन फिर भी मैंने आपको आज इस शो में 3 मीठे बनाना सिखाए हैं। सो ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और ये वाइट चॉकलेट को आप स्प्रेड आउट कर दीजिएगा और फिर इसके ऊपर आप चॉप करके या साबुत अखरोट रख दीजिएगा। ओके, आज हमने आपको डिफरेंट सी रेसिपीज सिखाई हैं, ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, डन। अब इसी चीज को अगर आप फ्लैट बनाना चाहते हैं तो फ्लैट पायरेक्स की 8x8 की डिश ले लीजिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा, उसके अंदर ये मिक्सचर पूरा लगा दीजिएगा, फ्लैट कर दीजिएगा। फिर आप जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब आप इसके बार्स काटिएगा, स्क्वायर्स काटें, बार्स काटें, बार्स यानी कि रेक्टेंगल शेप में काटिएगा और फिर उसको आप ऊपर से आप वाइट चॉकलेट ड्रिजल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो रेडी। सो आज के 3 मीठे हमारे रेडी हो चुके हैं। सो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ज़्यादा कोई इसमें ना पकाना था ना कोई ज़्यादा अज्जा थे, तीनों को मैं आराम से आपको पूरा मैं रिकैप कर दूँ। अब मैंने सबसे पहले जो बनाया था लौकी का हलवा, उसके लिए मैंने क्या किया था, 500 ग्राम लौकी लीजिएगा, आधा किलो लौकी बॉटल गॉर्ड लंबी वाली, ठीक है, उसका छिलका उतारिएगा और उसको कद्दूकश करके रख दीजिएगा। प्लीज़ पानी वानी में नहीं डाल दीजिएगा, उसी वक्त करिएगा पकाते वक्त, कद्दूकश करके यानी ग्रेट करके रख दीजिएगा। बीज वाला पार्ट आए तो उसको हटा दीजिएगा। फिर आप उसको एक पैन में डालिएगा, उसमें आप दूध 1 कप डालिएगा, उसको पका लीजिएगा, थोड़ा सा नरम हो तो 1 कप आप उसमें चीनी डालिएगा। जब चीनी का पानी निकलेगा ना, बहुत सारा पानी चीनी का बाज़ वक्त निकलता है और ये लौकी का भी पानी निकलता है, तो वो उसको आपने भूनना है, सुखा देना है। फिर उसमें आपने 2-3 चम्मच भर के घी डालना है, थोड़ा सा रोज़ वाटर या रोज़ एसेंस अरके गुलाब वो डालना है आपने। एसेंस डालें तो कम डालिएगा, हाँ मैंने रोज़ वाटर डाला था, या रोज़ एसेंस भी आप डाल सकते हैं। तो फिर ये चला गया, उसको आपने अच्छी तरह मिक्स किया, फिर हल्का सा हरा रंग डाल, हल्का मैंने किया है इस दफ़ा, हल्का हरा रंग डाल दीजिएगा। अगर आपको कोई बादाम पिस्ते अंदर डालने हैं वो डाल दीजिएगा, मैंने 200 ग्राम खोया लिया था उसको चॉप अप करके वो अंदर डाल दीजिएगा, थोड़ा सा खोया बचाया था ऊपर डालने के लिए विच इज़ देयर। और बादाम, अखरोट, काजू, किसी भी चीज़ के साथ, आपको पिस्ते वगैरह किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट करना है आप उसको डेकोरेट करके रख दीजिएगा। वार्म भी सर्व कर सकते हैं, ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने कौन सी रेसिपी बनाई, ये वाली बनाई ना, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था, खजूर पाक। अब आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह आप हो तो आप स्क्वायर्स में काट सकते हैं, रोल में ये बहुत अच्छा लगता है, रोल के शेप में। तो आप क्लिंग रखिएगा, उसके ऊपर ये मिक्सचर जब रेडी हो जाए रख दीजिएगा और उसको रोल कर दीजिएगा, क्लिंग में रोल करके साइडों से बंद करके फ्रिज में रख दीजिएगा, 1-2 घंटे बाद निकालेंगे तो अच्छे से स्लाइसेस होंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया था, घी पहले पिघलाया था और 1-2 चम्मच, और जो नट्स थे जिसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ते चॉप अप कर दिए थे कॉर्सली चॉप, रोस्ट कर दीजिएगा। फिर उसमें आप 500 ग्राम खजूर डालिएगा, ठीक है, वो चॉप की हुई होगी तो जल्दी से, और बीज निकला हुआ ऑफकोर्स होगा तो जल्दी से मिक्स हो जाएगा, नहीं हो तो आप पोटैटो मैशर से उसको मैशअप कर दीजिएगा और आप उसको पका लीजिएगा जब तक वो स्मूथ ना हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो ये इस मिक्सचर को ऐसे निकाल दीजिए, ये बिल्कुल सेट है, यू कैन ईट इट। ठीक है, और आप इसको फिर बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, किशमिश, कुछ भी ऊपर से जो भी डालना हो उसके साथ गार्निश करके पेश कर दीजिएगा। आप डेट बार्स की रेसिपी रिकैप कर देते हैं, 200 ग्राम मैंने खजूर लिए थे बीज निकाल के, उसमें आपने
क्या करना है उसमें आपने थोड़े से काजू डालने हैं, 6-7 काजू 2-3 चम्मच दूध के, और ब्लेंडर में या फूड प्रोसेसर में ब्लेंड कर दीजिएगा। उसी में पिसे हुए या क्रश किए हुए चॉप किए हुए बिस्किट्स डाल दीजिएगा 5 से 6। मैं तो मारी बिस्किट्स का इस्तेमाल किया था। अंदर अखरोट डालना चाहे अंदर भी डाल सकते हैं, और इसमें हमने अंदर वेनिला एसेंस, नमक और थोड़ा सा हमने खोपरा डाला था 40 ग्राम जितना, ठीक है। डेसिकेटेड कोकोनट मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छी तरह मिक्स हो जाए सब कुछ, तो आप किसी थाल में, प्लेट में, प्लेटर में, इस तरह मेरी तरह बोल में, किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं। फिर व्हाइट चॉकलेट पिघला दीजिएगा और उसके ऊपर डाल दीजिएगा, अखरोट के साथ आप गार्निश कर दीजिएगा। आज की तीनों रेसिपीज़ मैंने रिकैप कर दी हैं, आसान है, चंद अज्जा के साथ। ऐसी कोई चीज़ होगी भी नहीं जो आपके घर में ना हो। तो अब हम लेते हैं एक और छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। डेट बार्स, अज्जा, खजूर बगैर बीज 200 ग्राम, काजू 5 से 6 अदद, दूध 3 खाने के चमचे, बिस्किट चूरा 5 से 6 अदद, अखरोट 1/4 कप, खोपरा 40 ग्राम, नमक 1/2 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट पिघली 20 ग्राम। तरकीब, खजूर, काजू और दूध को ब्लेंड करके एक तरफ रख दें, फिर इसमें चूरा किए हुए बिस्किट, खोपरा, नमक, अखरोट और वनीला एसेंस मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को ग्रीस की हुई डिश में डालकर दबाएं और 30 मिनट ठंडा कर लें। आखिर में बार्स में काटकर पिघली वाइट चॉकलेट से ड्रिजल करके सर्व करें। लौकी का हलवा, अज्जा, लौकी 500 ग्राम, चीनी 1 कप, खोया 200 ग्राम, रोज़ एसेंस 3 कतरे, बादाम 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, दूध 1 कप, घी 3 खाने के चमचे, हरा रंग चंद कतरे। तरकीब, लौकी को छीलकर कद्दूकश कर लें। अब लौकी को दूध में डालकर 15 मिनट उबाल लें, फिर इसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं और चमचा चलाते रहें ताकि पेंदे पर ना चिपके। फिर इसमें घी और रोज एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे धीमी आंच पर इतना पकाएं कि घी पिघल जाए, साथ ही चमचा चलाते रहें। फिर इसमें खोया मिक्स करके 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। फिर इसमें हरा रंग डालकर काजू और बादाम से गार्निश करें। खजूर पाक, अज्जा, खजूर 500 ग्राम, काजू 2 चाय के चमचे, बादाम 2 चाय के चमचे, पिस्ते 2 चाय के चमचे, खरबूजे बीज 2 चाय के चमचे, अशखाश 2 चाय के चमचे, घी 2 चाय के चमचे। तरकीब, घी को पिघला लें। अब इसमें चॉप्ड नट्स डालकर रोस्ट कर लें, फिर इसमें चॉप्ड खजूर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके स्मूथ कर लें। अब इसे ठंडा करके इस मिक्सचर को क्लिंग फिल्म में रोल कर लें। अब इसे 1 घंटा फ्रिज में रख दें, आखिर में स्लाइस में काट कर सर्व करें। डेट बार्स, अज्जा, खजूर बगैर बीज 200 ग्राम, काजू 5 से 6 अदद, दूध 3 खाने के चमचे, बिस्किट चूरा 5 से 6 अदद, अखरोट 1/4 कप, खोपरा 40 ग्राम, नमक 1/2 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट पिघली 20 ग्राम। जी, वेलकम बैक। Everything is ready and I'm so relieved. I hope आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आप रेसिपीज ट्राई करेंगे, फीडबैक दीजिएगा। रात में हमारा शो रिपीट होता है 12 से 1 और सुबह में 9:30 से 10:30। हफ्ता इतवार कब हमारा शो रिपीट होता है I'll let you know। ठीक है जी। अच्छा, और मंडे का शो हमारा ज़रूर देखिएगा। वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो वॉट वी आर गोइंग टू डू, मुझे खुद भी नहीं पता। इट्स आर एनिवर्सरी, फूड डायरीज टर्न्स 9, 9 साल का हो जाएगा फूड डायरीज। ठीक है, ओके। सो लौकी का हलवा, डेट बार्स और खजूर पाक इज़ रेडी। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने का। ये पूरा हफ्ता आप लोग हमारे साथ रहे, आपने कॉल की, मैसेजेस किए, रेसिपीज़ ट्राई की, मुझे तस्वीरें भेजी, थैंक यू सो मच, दैट मेक्स माई डे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं। जितना हो सके मैं कम अज़ कम अज्जा से बनाना सिखाती हूँ, और वही चीज़ें जो आपके घर में हों उनसे ही आप कुछ ना कुछ खेलते रहें उन अज्जा के साथ, और नई नई चीज़ें बनाते रहें और घर वालों को और मेहमानों को और अपने नेबर्स को और जो भी आपके घर में हो उनको खिलाते रहें, ताकि एवरीबॉडी कीप्स आस्किंग, अरे वाह ये किसकी रेसिपी थी, कहाँ से सीखी, बहुत मज़े की है। मगर देखें घर में सारी वही चीज़ें होती हैं, उसी से मैंने बनाया है। चॉकलेट के साथ नहीं करना है, गार्निश नहीं करिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक है, सो आप इसको छोटे छोटे सिलिकॉन के मोल्ड्स में भी ऐसी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को, खजूर वाली, सिलिकॉन के छोटे मोल्ड्स आते हैं, जेली वाले जो मोल्ड्स आते हैं, वो उनमें भी आप सेट कर सकते हैं। उसी शेप
पक्का फिर वो खजूर पाक होगा और फिर वो डेट बार्स होंगे, वरना अगर कुछ नहीं भी है तो एक थाल पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने फिर पीसीज ही काटने हैं ना, सो वॉट एवर यूज़ योर इमेजिनेशन, घर में जो चीज़ हो उससे बनाइए। ये नहीं कि खास जाके खरीदना है क्योंकि जारनक ने कुछ सिखाया है, ऐसा कोई अजूबा ऐसे कुछ मैं सिखाती नहीं हूँ कि आपको कुछ बाहर जाके खरीदना पड़े, ठीक है। सो मेक यूज़ ऑफ वॉट एवर इज़ एट होम, किचन में जो हो, पैंट्री में जो हो, आपके कबर्ड में जो हो, उसी का इस्तेमाल करें, उसी के साथ खेलते रहें। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।